31 में द इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस एट द थ्री टर्मिनल्स मार्क्ड एक्स वाई एंड जेड आर गिवन बाई। टर्मिनल एक्स का वोल्टेज दिया हुआ है वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू वाई का दिया है, जेड का दिया हुआ है। एन आइडियल वोल्ट मीटर इज कन्फिगर्ड टू रीड आरएमएस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स एंड इट इज कनेक्टेड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड बिटवीन वाई एंड जेड। तो हमें बताना है रीडिंग क्या होगी, एक्स वाई में रीडिंग क्या होगी और वाई जेड में रीडिंग क्या होगी। बट इसमें ऑप्शन में देखो तो एक्स वाई के ही आंसर दिए हुए हैं इसमें, मतलब एक्स और वाई का ही निकालना है। रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, अच्छा ये पता करना है कि इंडिपेंडेंट है या सेम आएगी। तो पहले एक्स और वाई निकालते हैं। तो देखो वी एक्स वाई का सिंपली मतलब होगा वी एक्स माइनस वी वाई, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये बनेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वी नॉट साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 2π/3। अब देखो इसको हम लोग फेजर वाले डायग्राम वाले तरीके से अगर ऐड करें तो ये जो वी नॉट साइन ओमेगा टी है इसको तो ऐसे ही रहने दो। अगर हम इसको प्लस कर दें तो हमें अंदर कितना ऐड करना चाहिए, तो अब ध्यान से देखो। तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हमने इसमें ये पाई ऐड किया है, क्यों भाई। तो अब इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो ये वाला टर्म बन जाएगा 5π/3 और ये है 0। तो अब ऐसे देखो कि एक वी नॉट हमने बनाया है रेफरेंस लाइन के लॉन्ग 0 और दूसरा है इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये सम निकल के आएगा 5π/3। तो 5π/3 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2π-π/3। तो जो अगला वोल्टेज होगा, अगला वेक्टर, वो इस डायरेक्शन में आएगा कहीं, देखिए वी नॉट ही आएगा लेकिन ये वाला एंगल पाई बाई थ्री बनेगा। तो अब अगर हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है अगर, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट बनेगा देखिए ध्यान से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं थोड़ा सा अगर फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस अगर हमें आंसर मिले, तो ये वाला वैल्यू देखिए डायरेक्ट कितना निकल के आएगा, ये 30 30 बनेगा। तो वी नॉट ये 2V0 cos 30 आएगा, तो ये एक तरह से V0√3 आएगा। बट ध्यान रखना V0√3 इसका पीक वैल्यू होगा। अगर हम इसका आरएमएस वैल्यू लिखेंगे तो आरएमएस वैल्यू बनता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। तो ये आएगा V0 √3/2। तो एक बात तो क्लियर है कि इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम जरा वाई जेड भी निकालते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली वी वाई जेड, तो वी वाई जेड का मतलब होगा वी वाई माइनस वी जेड। तो ये वैल्यू आ जाएगी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। और एक काम करते हैं माइनस को पहले से ही अंदर ले जाते हैं, तो दूसरा वाला टर्म बन जाएगा वी नॉट साइन अब ओमेगा टी प्लस 4π/3 है, तो ये प्लस 4π/3 एंड प्लस पाई आ जाएगा, ठीक है। देखो तो अल्टीमेटली ये जो पूरा एंगल है ये हमें चाहिए, तो ये एंगल की वैल्यू आएगी, अब देखा जाए तो ये पूरा का पूरा 2π+π/3 बनेगा और ये 2π/3 है। तो पाई बाई थ्री और 2π/3 इन दोनों के बीच में एंगल भी पाई बाई थ्री ही आएगा। हाँ बस ये है कि डायरेक्शन इनका कुछ और बनेगा। भाई अगर हम इसको वी नॉट को इधर की तरफ बनाते हैं विच इज 2π/3, तो ये यहाँ बनेगा 2π/3 वाला और पाई बाई थ्री वाला इधर बनेगा, इतना ही फर्क है। लेकिन इन दोनों के बीच में तो एंगल अभी भी पाई बाई थ्री आएगा। तो अगेन इसका मतलब ये हुआ कि वी वाई जेड का अगर हम आरएमएस निकालेंगे तो ये भी उतना ही निकल के आ रहा है वी नॉट अंडर रूट ऑफ 3/2। तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द टू टर्मिनल्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए।